हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर का ये है सेकेंड एक्सरसाइज 6.2 और मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवाया था। इट मीन्स अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो आप फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9 मैथ्स की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है फिगर 6.31 और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस। यानी इस क्वेश्चन में जो पहले गिवन है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन एस टी और पी क्यू, ये आपको पैरेलल गिवन है। सेकेंड, आपको कुछ एंगल्स गिवन है, जैसे ये 130 जो कि आर एस टी, ये एंगल आपकी वैल्यू आपको गिवन है। और सेकेंड एंगल आपके पास गिवन है 110, जो कि आप ये देख सकते हैं, यानी कि टू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आपको गिवन है और ये लाइन पैरेलल गिवन है। और आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी एंगल क्यू आर एस जो क्रिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ब्रैकेट में आपकी हेल्प के लिए हिंट भी दे रखा है, आपको एक पैरेलल लाइन एस टी ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है जो एस टी के पैरेलल हो। यानी जैसे ये आर पॉइंट आप देख रहे हैं, इस आर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग ऐसा करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम एक्स रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम वाई रख लेते हैं। अब क्वेश्चन जैसे बोला गया उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, आपने एक लाइन ड्रॉ किया है तो आप मेंशन करोगे ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, आपने एस टी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब आपने इसे ड्रॉ कर दिया, इट मींस ये हुआ, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, हम इसकी हेल्प से इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि इन सब एंगल का एक नाम रख लेते हैं। इसे एंगल 1 मैंने नाम दे दिया, इसे एंगल 2 नाम दे दिया, इसे एंगल 3 नाम दे दिया और इस वाले को एंगल 4 नाम दे दिया और इस वाले को एंगल 5 नाम रख दिया। ये इसलिए ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर तो आपको एंगल 4 और एंगल 1, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, यानी अगर हम इसे इस तरह लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंड दैट इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 180 होने की वजह यह है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ये सेम ट्रांसवर्सल लाइन से ये एंगल ये फॉर्म हो रहे हैं। तो आप ब्रैकेट में इसके बारे में लिख सकते हैं कि सिंस पेयर ऑफ एंगल विद सेम ट्रांसवर्सल क्यू आर, ये जो दोनों लाइन है सेम ट्रांसवर्सल लाइन यानी क्यू आर से ये क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो वैल्यू है 110, ये किसकी वैल्यू है, एंगल 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि पुट एंगल 4 इज इक्वल टू 110, अब ब्रैकेट में से लिख देना, ये आपके पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा, एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। और एंगल 1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो 180 में से 110 को माइनस कर दूंगा और ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 70 डिग्री आएगी। यानी आपने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन आप अगर इसे ध्यान से देखो, एस आर को देखो, तो ये आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो एंगल 3 है और एंगल 5 है, इन दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल हो जाएगी। देखो एंगल 3 ये रहा और एंगल 5 ये रहा, और इसके पीछे का रीजन आप लिख सकते हो, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपके पास एस आर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां भी क्रिएट हो रहा है, यहां भी क्रिएट होने में ये हेल्प कर रहा है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस पेयर ऑफ एंगल विद सेम
ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन एस आर, ठीक है। अब आपके पास जो एंगल 5 है इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप लिख सकते हो पुट एंगल 5 इज इक्वल टू 130 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये गिवन है इसलिए ब्रैकेट में मेंशन जरूर कर देना कि ये गिवन है, और इसे हम यहां पुट करेंगे। तो आपके पास जो एंगल 3 है, ठीक है, इसे एज इट इज रहने देंगे, एंगल 5 की जगह 130 को हम लोग यहां नोट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, और ये जो वैल्यू है 130 को यूज करके इसे हम कंप्लीट आंसर निकाल सके, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 130 को इसकी प्लेस पे, यानी एंगल 5 की प्लेस पे रख देता हूं, और 180 जो राइट हैंड साइड में इसे एज इट इज रहने देता हूं। तो अब आपके पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी आपने ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, एंगल 3 ये आपके पास 50 आ गई, और एंगल 1 पहले कैलकुलेट कर चुके हो जो आपका 70 डिग्री आ गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों का सम आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा, और रीजन आप लिख सकते हो कि ये आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर, यानी लीनियर पेयर एक्स वाई के ऊपर ये फॉर्म हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल्स ऑन, सिंस एंगल्स ऑन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के ऊपर ये क्रिएट हो रहा है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे कि पुट एंगल 1 इज इक्वल टू, जो एंगल 1 की वैल्यू 70 आई इसे पुट करेंगे, एंड और एंगल 3 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री इसे भी हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो एंगल 2 की वैल्यू है इसे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल 1 की वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है, फिर एंगल 2 एज इट इज रहने देंगे, और एंगल 3 की वैल्यू जो है आपके पास ये 50 डिग्री इसे भी हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये 180 डिग्री हो गया। यहां लिख लेता हूं मैं दिस इंप्लाइज, ठीक है, फर्दर इस तरह लिख करके, और यहां पे एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस, अब देखो ये 70 और ये जो 50 है प्लस में है, तो जब साइड चेंज करोगे तो ये क्या होगा, माइनस में आपके पास आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो एंगल 2 माइनस, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 120 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 में, और ये जो 180 है इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे माइनस करोगे, यानी 180 में से 120 माइनस करोगे तो आपके पास ये 60 डिग्री आ जाएगा, यानी आपके पास जो ये एंगल 2 की वैल्यू है इसे आपने कैलकुलेट कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 60 डिग्री आ रही है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, तो आपने पूरे इस तरीके से इसे यहां पे माइनस करके, यानी कि 180 में से 120 माइनस करके फाइनल आंसर निकाला। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एंगल 1 को कैलकुलेट किया, फिर एंगल 3 को कैलकुलेट किया, और उसके बाद फाइनली एंगल 2 को हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें एक फिगर आपको गिवन है 6.32, इसे एक बार देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इन फिगर 6.32 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, जो कि डायग्राम आपका 6.32 है, इसके पास एक एंगल आपको ये क्रिएट हो रहा है, जैसे इसका नाम मैं 1 रख देता हूं, इसकी वैल्यू आपके पास 50 डिग्री है, और ये जो y वैल्यू आपको है पास दिख रही है यहाँ डायग्राम के अंदर, इस एंगल का नाम मैंने 2 रख दिया, और उसके बाद ये जो x वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे इसे मैंने एंगल 3 नाम रख दिया, और ये फाइनली जो बाहर ये 127 डिग्री जो वैल्यू है इसे मैं एंगल अपनी तरफ से सपोज कर लेता हूँ ये एंगल 4 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये ए बी एक लाइन और ये नीचे एक लाइन सी डी ये आपको गिवन है, और ये दोनों के दोनों आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है एंगल 1, यानी ए पी क्यू की वैल्यू आपके पास 50 डिग्री है, उसके बाद नेक्स्ट एंगल यानी एंगल 4 जिसकी वैल्यू आपके पास 127 डिग्री है, और इसका नाम पी आर डी गिवन है, ठीक है। अपने हेल्प के लिए क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए इसलिए मैंने 1 इसे एंगल कंसीडर कर लिया, इसे 2 और इसे 3 और इसे 4। अब अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास ये जो डायग्राम में एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1, ठीक है,
और ये उसके अलावा जो एंगल 3 है आपके पास, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने की वजह आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास ए ए बी और ये सी डी जो है आपके पास पैरेलल लाइंस आपको गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसके पीछे रीजन कि सिंस अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो वैल्यू ऑफ एंगल आपके पास एंगल वन की गिवन है, एंगल वन इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं गिवन। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो एंगल 3 की वैल्यू होगी ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी आप ये कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू आपके पास ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स है ये आपने इसे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास एंगल 3 की इक्वल है और उसकी वैल्यू आपके पास 50 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये देखो ये एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 ये रहा, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड ले लें, ठीक है, ये वाला और एंगल 4 को ले लें, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे। यहां पे ये क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये रीजन लिख सकते हो ब्रैकेट में कि सिंस, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब यहां पे जो एंगल 1 की वैल्यू है आपके पास इसे हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, एंगल 4 की जो वैल्यू है इसे भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहां मेंशन करोगे एंगल पुट एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 127 डिग्री, और इन दोनों की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर गिवन, ठीक है। अब जो वैल्यू है एक एक करके इसे हम लोग पुट कर देते हैं। 1 की जगह मैं 50 डिग्री रख देता हूं, 2 की जगह एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, और 4 की जगह हमारे पास 127 है, इसे नोट कर लेते हैं। अब एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 127 में से मैं माइनस कर देता हूं 50 डिग्री, ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर यानी एंगल 2 की वैल्यू 77 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फिफ्थ क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और एंगल एक्स और वाई जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास ये 50 डिग्री आ गई थी जो आपने पहले सॉल्व कर लिया था। अगर वाई की बात करें तो ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास जो क्रिएट हो रही है वो 77 डिग्री हो रही है। एक बार मैं ये साइन चेंज कर देता हूं, ये आपके पास एंगल का जो साइन है कुछ इस तरह से आप इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे एक बार रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टिव रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फर्स्ट मिरर पी क्यू गिवन है, सेकेंड मिरर आपके पास आर एस गिवन है, और एक रे है जो इधर पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट पर यानी मिरर पी क्यू पे रिफ्लेक्ट होती है बी पॉइंट से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन स्ट्राइक करती है पॉइंट सी जो कि मिरर आर एस है, और उसके बाद फर्दर वो रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट डी तक मूव कर जाती है। तो क्वेश्चन में ये है कि अगर आपके पास ये जो टू मिरर्स है ये पैरेलल आपको गिवन है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो रे है, रे का ये वाला पोर्शन जो क्रिएट हो रहा है ए बी और रे का जो ये पोर्शन क्रिएट हो रहा है सी डी, इसे हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो पहले जैसे आपने ये डायग्राम को देखा, इस डायग्राम में अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो इट मींस ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल को और इसके अलावा जो ये वाला एंगल होगा, इन दोनों को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रूफ कर दूं इन दोनों एंगल को मैं, तो मेरे पास जो लाइन है ए बी और लाइन सी डी है ये पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और उसके बाद ये जो डायग्राम जैसे आपको गिवन है
एज इट इज इसे आपको ड्रॉ कर लेना है। और सॉल्यूशन में हम लोग ऐसा करते हैं कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें आप यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर इसे एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जैसे ये डी तक यहां पे है, तो इसको मैं पॉइंट ई अज्यूम कर लेता हूं और इसे मैं अज्यूम कर लेता हूं पॉइंट एफ। तो मैंने यहां पे जो ड्रॉ किया है उसे मेंशन कर देता हूं कि सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ड्रॉ बीई एंड सी एफ, सबसे पहला काम आपने ये किया, ये मेंशन कर दो। उसके बाद इसे ड्रॉ करने के बाद ये जो एंगल क्रिएट हुए, यानी ये फर्स्ट एंगल है आपके पास, अजूम करके चल रहे, ये आपके पास सेकेंड एंगल है, उसके बाद ये थर्ड एंगल है और ये आपके पास फोर्थ एंगल है, ठीक है, ये फोर एंगल क्रिएट हो रहे हैं। देखो अगर आपने साइंस में थोड़ा सा पढ़ा है तो आप ये कह सकते हो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब ये है एंगल वन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यानी एंगल टू, ये इक्वल होंगे, ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर। सिमिलरली यू कैन से एट पॉइंट सी कि जो आपके पास एंगल थ्री है, यानी कि एंगल ऑफ आपके पास इंसिडेंट है, और इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो एंगल फोर बन रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो एंगल थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल फोर के, ठीक है, ये मेंशन करोगे एट पॉइंट बी, ठीक है, और ये मेंशन करोगे एट पॉइंट सी, ठीक है। ये वन जो है आपके पास ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एंगल टू आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली एंगल थ्री आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल फोर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि वन प्लस टू, ठीक है, ये वन प्लस टू क्या होना चाहिए, हमारे पास जो सम टोटल आएगा वो, और जो आपके पास एंगल थ्री एंड फोर जो होगा, ठीक है, ये इनका सम अगर इक्वल आएगा तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो पेयर्स बन के आ रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल होने की वजह से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी। तो इसके लिए अगर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आपके पास पी क्यू मिरर है, ठीक है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट मिरर आपके पास आर एस है, ये आपके पास पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर एक बार, कि आपके पास ये जो एंगल टू है और एंगल थ्री है ये इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है बी ई, ठीक है, बी ई ड्रॉ करी है, ये पैरेलल है सी एफ के। तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल टू इज इक्वल टू, यानी एंगल टू ये जो है और एंगल थ्री है, ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल टू एंड एंगल थ्री, और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये आपस में क्रिएट कर रहे हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि सिंस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये आप मेंशन कर सकते हो अपने रीजन के अंदर, और इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। जब आपके पास एंगल टू एंड थ्री इक्वल है, तो यानी कि ये कह सकते हो कि एंगल वन जो होगा वो टू के इक्वल है, तो ये थ्री के इक्वल भी हो जाएगा, और थ्री ऑलरेडी आपके पास फोर के इक्वल है, यानी कि ये फोर के फोर जो एंगल है ये सबके सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल वन प्लस टू, ठीक है, यानी कि पूरा कंबाइंड एंगल वन प्लस टू, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे एंगल थ्री प्लस फोर के। जरा ध्यान से देखो कैसे होगा, यानी कि आप इन सब की जगह ऐसे भी लिख सकते हो एंगल वन प्लस एंगल वन, ठीक है, और इसकी जगह लिख सकते हो कि एंगल वन प्लस एंगल वन, हर जगह लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इन सब की वैल्यू इक्वल है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको बोला गया था कि भाई इन दोनों को, यानी कि ए बी को और सी डी को पैरेलल प्रूव करो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो कंबाइंड एंगल है वन टू और कंबाइंड एंगल थ्री फोर, इसे अगर हम इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये पॉसिबल होगा। तो आपने इसे जब चारों इक्वल है, तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस फोर। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सबकी वैल्यू इक्वल है, तो रिप्लेस कर सकते हो सबकी वैल्यू एंगल वन 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 वन,
सबकी जगह लिख दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, तो मैं ऐसा करता हूं, ये लास्ट वाली लाइन आपको ये रफ कर देता हूं। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर कि जो आपके पास जो लाइंस हैं आपके पास ए बी, ठीक है, ए बी आपका पैरेलल हो जाएगा सी डी के। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, तो इस तरह से आप इसे प्रूफ कर सकते हो और फाइनली अपने आंसर में लिख सकते हो कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है 6.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @MrKrishnaShah, जहां आप मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।